दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसानों को लेकर है। जी हां, बता दें कि 9वीं बार भी किसानों और सरकार के बीच नहीं बनी बात। 19 जनवरी को दोबारा होगी बैठक। जी हां, बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई नवे दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। दोनों पक्षों के बीच अगली मुलाकात 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे। खास बात है कि इससे पहले हुई 8 बार की बातचीत में अब तक केवल पराली जलाने और सब्सिडी से जुड़ी मांगों पर ही सहमति बन सकी है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और किसानों के बीच मुलाकात पूरी हो चुकी है। एक ओर सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है तो दूसरी ओर किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार इसे पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है और सरकार ने कहा है कि कानून वापस लिया जाना कोई विकल्प नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वार्ता को लेकर काफी उम्मीद जताई थी। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि किसानों के समर्थन में देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी करेंगे लीड। जी हां, बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी आंदोलन के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में गवर्नर हाउस तक मार्च का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। पार्टी आज एक किसान अधिकार दिवस मना रही है और सभी राज्य इकाइयों को सभी राजभवन को घेराव करने के लिए कहा गया है। पार्टी के अधिकारी ने एएनआई को बताया, पार्टी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को अपने राज्यों में घेराव, राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी के घरों को घेरने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। बताया गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चंदगी राम अखाड़ा में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, जहां से एक जुलूस एलजी हाउस की ओर जाएगा और राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मार्च का नेतृत्व करेंगे। और दोस्तों मैं अगली खबर है जो कि बंगाल से है। जी आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को साथ आने का दिया न्योता, बोले अब टीएमसी के पास कोई चारा नहीं बचा। जी आपको बता दें कि नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए टीएमसी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की यह टिप्पणी स्वागत रॉय द्वारा कांग्रेस और सीपीएम को टीएमसी के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ने के बयान पर आई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में इस साल बंगाल की सत्ता पलट सकती है? आप अपना सुझाव, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि हरसिमरत का राहुल गांधी पर तंज, बोली पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर ना बहाए घड़ियाली आंसू। जी हम बात कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन में द्विभाव का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी को याद दिला दी कि उनकी दादी पंजाबियों को क्या कहा करती थी, वे घड़ियाली आंसू ना बहाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड़ियाली आंसू बहाने के पहले राहुल गांधी आपको ये बताना चाहिए कि क्यों आपकी दादी पंजाबियों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करती थी, क्यों आपने उन्हें ड्रग्स एडिक्ट नाम दिया। एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे दें फिर पंजाब के किसानों की बात करें। हरसिमरत कौर ने कहा कि जब पंजाब के किसान धरना दे रहे थे तो आप कहां थे, जब संसद में बिल पारित किया गया तो कहां, जिस समय राज्यसभा में इस विषय पर कार्यवाही चल रही थी तो आपके 40 सांसद गैर मौजूद क्यों थे, आपके सीएम अब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के साथ हैं, क्या राहुल गांधी को लगता है कि फैंसी सहानुभूतिपूर्ण शब्द के जरिए वो
अपराध मुक्त हो पाएंगे। खबर निकल कर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण को केंद्र ने 1 रुपए तो शिवसेना ने 1 करोड़ का दिया दान, राष्ट्रपति ने दिया पहला दान। जी हम बात कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मंदिर के लिए सहयोग दिया है। बताया गया है कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 5,100,000 रुपए दान किए हैं। बताया गया है कि चंदा जुटाने के साथ ही दानकर्ताओं को 1,100 रुपए और 100 रुपए के कूपन दिए जाएंगे ताकि गरीब से गरीब भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे सके। बताया गया है कि राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने 1 रुपया दान किया है जबकि शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए दान किए हैं। सबसे ज्यादा 11 करोड़ रुपए का दान मुरारी बापू की ओर से आया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा है। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद पर काम इस महीने शुरू होगा और मंदिर परिसर का निर्माण करीब 3.5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के खजांची स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के मुताबिक बुनियाद किस तरह से बने उस पर हाल में निर्णय किया गया है। खुदाई शुरू हो गई है लेकिन वास्तविक बुनियाद निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, ये इसी महीने शुरू होगा। जब उनसे पूछा गया था कि क्या औपचारिक रूप से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और अगर नहीं है तो कब शुरू होगा, परियोजना की पूरी लागत के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि परिसर के अंदर मुख्य मंदिर के निर्माण में 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी लागत 1100 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है जिसमें मुख्य मंदिर पर 300 से 400 करोड़ रुपए और परिसर के अंदर 67 एकड़ के विकास का खर्च भी शामिल है। और दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण में इकबाल अंसारी भी देंगे चंदा, धर्म को लेकर कही है ये बड़ी बात। जी हम बात कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण में इकबाल अंसारी भी चंदा देंगे। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए धन संग्रह पर इकबाल अंसारी ने कहा कि बात राम मंदिर की है, बात धर्म की है, लोग बढ़ चढ़कर चंदा दें। मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो चुका है, अब लोग इस विवाद में न आएं। इससे पूर्व शुक्रवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने 51,000 रुपए का चेक देकर महाअभियान की शुरुआत की। मस्जिद मामले के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, धर्म के काम में मेहनत की कमाई लगती है तो भगवान भी खुश होते हैं और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चंदा देने में कोई बुराई नहीं, लोग चंदा दें, अब वह चाहे 1 रुपए हो या 1 लाख रुपए। राम मंदिर में सबका सहयोग होना चाहिए, चंदा देने से एक दूसरे की मुसीबत कम होती है, ये श्रद्धा का सवाल है, इससे पुण्य मिलता है, सवाब भी मिलता है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, और वह अगली खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी फिल्म सिटी, सीएम खट्टर ने स्वीकृत की 100 एकड़ जमीन। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में उभरने की पहल शुरू किए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार भी उनके ही रास्ते पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वह हरियाणा में फिल्म सिटी तैयार करेंगे, इसके लिए योजना बन रही है, इसे जल्द साकार रूप दिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह बात हरियाणा के विकास के साथ वहां के युवा प्रतिभाओं को फिल्मों में जाने का बड़ा मौका दिए जाने को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में फिल्म सिटी खोलने की योजना बना रही है जिसके लिए 500 से 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली भूमि को अंतिम रूप दिया गया है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जिसमें शरद पवार ने कहा, कोरोना वैक्सीन पर संदेह का कोई कारण नहीं, मैं टीकाकरण को तैयार। जी हम बात कर रहे हैं कि आज यानी 16 जनवरी से भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक ICMR की वैक्सीन कोवैक्सीन के जरिए ये टीकाकरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बीच वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र देश की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा है कि वैक्सीन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें शरद पवार ने कहा कि वैक्सीन को अप्रूवल ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ही विश्व स्तर के संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो तुरंत वैक्सीन लेंगे। गौरतलब है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह चुके हैं, इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें विवादों में घिरी सैफ की तांडव, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप, हैशटैग बायकॉट तांडव हुआ ट्रेंड। जी हाँ, आपको बता दें कि सैफ अली खान और अली अब्बास जफर की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज तांडव शुक्रवार यानी 15 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। ये सीरीज राजनीति के विषय पर बेस्ड है। सीरीज को फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों ने इस सीरीज पर हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। दावे किए जा रहे हैं कि अली अब्बास जफर की इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, देश को बांटने वाले लोगों का गुणगान किया गया है। इस वजह से हैशटैग बायकॉट तांडव ट्रेंड कर रहा है। जी आपको बता दें सीरीज में सबसे ज्यादा जीशान अय्यूब के एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है जहां पर वे भगवान शिव पर शिव बनकर कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। उस वीडियो में जीशान कैंपस के छात्रों की आजादी की बात कर रहे हैं। जीशान अय्यूब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको किससे आजादी चाहिए, तभी कोई कहता है नारायण नारायण प्रभु कुछ करिए। राम जी के फॉलोवर सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इस पर जीशान जवाब देते हैं तो क्या करूं, सरकार बदल दूं क्या? फिर जीशान को जवाब मिलता है भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हैं। सीरीज के इसी सीन का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स का आरोप है कि उसमें भगवान शिव का नाम गलत इस्तेमाल किया है और तांडव के इसी संवाद पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सीरीज पर भगवान शिव और राम का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। ट्विटर पर सीरीज को लेकर नेगेटिव रिव्यूज भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद नुसरत ने बीजेपी को कहा कोरोना से खतरनाक, बोली सत्ता में आते ही मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर यहां नेताओं की बयानबाजी बहुत समय से शुरू हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में बने रहने के लिए सार दांव पेच लगाना शुरू कर चुकी है और बता दें भाजपा ममता के गढ़ को हथियाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता पश्चिम बंगाल बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां का विवादित बयान सामने आया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भाजपा को कोरोना वायरस से खतरनाक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भड़काएगी, भाजपा सत्ता में आती है तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह इस कारण से है कि सभी पार्टियां सहन शक्ति भरने लगी हैं। इसके साथ ही राज्य में एक दूसरे के खिलाफ आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या अत्यधिक है और जो टीएमसी का वोटर माना जाता है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए नुसरत जहां ने यह सब पश्चिम बंगाल की उत्तरी 24 परगना के मुस्लिम बहुल इलाके दिगांग में चुनाव प्रचार के दौरान कहा। अभिनेत्री से सांसद बनी नुसरत जहां ने कहा अपनी आंखें खुली रखें, भाजपा जैसा खतरनाक वायरस घूम रहा है, ये पार्टी और धर्म के बीच भेदभाव करता है और आदमी से आदमी तक दंगे का कारण बनता है। भाजपा सत्ता में आती है तो मुस्लिमों की उल्टी गिनती शुरू होती है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अर्णब गोस्वामी का कथित चैट लीक। प्रशांत भूषण बोले कानून का राज होता तो जेल में होते गोस्वामी। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी का कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अर्णब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग साझा करके उन पर निशाना साध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए उन पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि अर्णब गोस्वामी अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने इन स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है ये है अर्णब गोस्वामी और बार्क के सीईओ के बीच बातचीत के व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट। इन स्क्रीनशॉट में कई षड्यंत्र देखे जा सकते हैं कि कैसे अर्णब गोस्वामी की सरकार में
इतनी पैट है। ये मीडिया का बेजा इस्तेमाल है, अन्ना मीडिया और अपना ताकत का इस्तेमाल ब्रोकर के तौर पर कर रहे हैं। अगर किसी भी देश में जहां कानून का राज है वहां अन्ना गोस्वामी जेल में होते। वहीं प्रशांत के इस ट्वीट का जवाब देते हुए पत्रकार मीना दास नारायण ने पूछा, क्या आपको इस पर यकीन है? क्या आप एक भी वजह दे सकते हैं कि आखिर क्यों आप पर भरोसा करना चाहिए? एक देशभक्त पत्रकार जो कि भारत के लिए खड़ा होता है उसके बारे में देशद्रोही बोल रहा है। बता दें कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और उसमें अन्ना गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच बातचीत चल रही है। लोग इस व्हाट्सएप लीक की तुलना रेडियो टेप से कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में कथित तौर पर अर्णव गोस्वामी और पार्थो के बीच टीआरपी रेटिंग को लेकर बात हो रही है। बता दें कि टीआरपी स्कैम की सुनवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि अगली सुनवाई तक वो अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि लता मंगेशकर को ओवररेटेड कहने पर भड़के अदनान सामी, कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी आपको बता दें कि लता मंगेशकर को लेकर ट्विटर पर एक बहस छिड़ गई है। एक ट्विटर यूजर्स ने लता मंगेशकर को ओवररेटेड और दूसरों का करियर खत्म करने वाला सिंगर बताया, जिसको लेकर बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने ट्रोलर्स को ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। असल में जिस फोटो को लेकर लता मंगेशकर को ट्रोल किया जा रहा है उस तस्वीर को सामी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था और इस तस्वीर में लता ताई के साथ नूर जहां और आशा भोसले भी दिख रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए अदनान सामी ने इसे आइकॉनिक और हिस्टोरिक बताया था। इस बीच कुछ यूजर्स ने लता मंगेशकर को ओवररेटेड बता दिया है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण ठंड, शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, जाने अन्य राज्यों का क्या है हाल। जी हम बात करें कि पहाड़ों पर बर्फबारी कम हो गई है लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर भी राजधानी दिल्ली में छाई हुई है। सुबह के वक्त दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। शनिवार को राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी और शुष्क उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं से गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, फिर हवा की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व की और हो गई। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।